Good morning, my dear students. I am your maths teacher from St. Paul International School. Today we are going to start your next chapter 13, time. Time हमारी life में क्या है बहुत जरूरी है. आपको पता है हम day हम पूरा दिन काम करते हैं और काम किस अकॉर्डिंग करते हैं अपने time के अकॉर्डिंग. सुबह उठना है जैसा मम्मा बोलते हैं बेटा 7 बज गए उठ जाओ 8 बज गए उठ जाओ है ना 9 बजे खाना खाना है अब 12 बज गए दोपहर हो गई है आफ्टरनून है नाइट हो गई है रात को तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है टाइम के अकॉर्डिंग और टाइम का मेजरमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है तो आज हम सीखेंगे टाइम क्या होता है और टाइम को मेजर कैसे करते हैं चलो लेट्स स्टार्ट ये हमारे पास तीन क्लॉक्स हैं मैंने जो ड्रॉ किए हैं इसमें क्या है देखो ये आप देखोगे एक हैंड क्या है बड़ा है ठीक है मिनट एक हैंड होता है बड़ा और एक छोटा आपकी क्लॉक में भी दो ही होते हैं एक किसी किसी क्लॉक में थ्री भी होते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली टू ही हैंड करेंगे तो एक होता है जो जिसकी लेंथ लॉन्ग है बड़ी है वो क्या है हमारा तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं अभी तक हम सिर्फ दो ही हैंड सीखेंगे वैसे होते हैं किसी किसी क्लॉक्स में टू है और किसी में थ्री बट हम इस यहाँ पे क्या सीखेंगे सिर्फ टू हैंड सीखेंगे अभी हम क्या है छोटे हैं हम लोग अब जो बड़े हो जाकर तब पता चलेगा थ्री हैंड्स किस लिए यूज होते हैं तो यहाँ पर टू हैंड्स भी तो फर्स्ट होता है लॉन्ग हैंड यूज होता है मिनट किसके लिए मिनट के लिए हम कहते हैं ना 5 मिनट वेट 2 मिनट वेट तो किसके कारण होता है इस वाले हैंड से जो लॉन्ग हैंड है वो क्या है मिनट हैंड तो आपने इसका नाम क्या रखेंगे हम मिनट हैंड क्या है ये मिनट हैंड ये क्लॉक का मिनट हैंड होता है अब ये छोटा वाला हैंड है ठीक ये क्लॉक का छोटा हैंड है इसकी लेंथ क्या है शॉर्ट तो इसको बोलते हैं आर हैंड क्या बोलते हैं आर हैंड जिससे आप कहते हैं ना अभी हाफ एन आवर हुआ है ये 1 o'clock हो गया वो कौन बताता है आर हैंड अब ये तो बात हो गई दो हैंड होते हैं एक मिनट हैंड होता है एक आर हैंड होता है अब हम सीखेंगे इससे हम टाइम को मेजर कैसे करेंगे ठीक है कैसे हमें पता चलेगा कि कितना टाइम हो गया है तो अब हम पहले तो सिर्फ बेसिक सीखते हैं ठीक है बेसिक में क्या है देखो आपने क्या चेक करना है जब भी मिनट हैंड 12 पे है मिनट हैंड 12 पे है और जो शॉर्ट हैंड है मतलब आर हैंड है अगर 3 पे है तो क्या हो गया 3 o'clock अगर 3 पे है तो क्या हो गया 3 o'clock अगर मान लो यही वाला मिनट हैंड आपका चला गया 2 पे कहाँ पे 2 पे तो कितना हो जाएगा 2 o'clock आपका मिनट हैंड वही रहना चाहिए और जो शॉर्ट हैंड है आर हैंड है वो मूव कर रहा है तो मीन्स के जहाँ क्रीज हुई होगी मीन्स के हैंड होगा उतना ही टाइम हो जाएगा तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा था 3 पे तो हम क्या लिखेंगे 3 o'clock क्या लिखेंगे 3 o'clock मीन्स के टाइम कितना हो गया 3 o'clock ठीक है जैसे आप सुबह आते स्कूल आपका स्कूल आपको पता है कितने बजे लगता है 9 o'clock पे है ना तो सुई कहाँ पे होगी 9 पे और बड़ी वाली 12 पे तो ये कितना टाइम हुआ बेटा सी की जगह पे क्या आ जाएगा 9 o'clock कितना 9 o'clock आपकी जो आर हैंड है वो क्या बताता है कितना टाइम हो रहा है मिनट हैंड आपको ये 12 पे ही रहेगा शॉर्ट हैंड जहाँ मूव करेगा वही आपका टाइम होता है तो जैसे ये मान लो आपका जो आर हैंड है वो चला गया 6 पे कहाँ चला गया 6 पे कितना टाइम होता है बेटा 6 o'clock ओके 2 पे चला जाएगा तो 2 o'clock अगर 4 पे
डे वाइज क्लॉक है, मींस के जैसे आप दिन में सुबह होती है, मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट। तो आपने ये वीडियो वेरी वॉच करनी है, वेरी केयरफुली आपने अच्छे से देखनी है, टाइम को सीखना है, रीड करना है, फिर अपनी बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है।